गुड आफ्टरनून 10th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आज हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास में पार्ट 2 भारत में राष्ट्रवाद इसका अंतिम और आखिरी भाग पढ़ेंगे। इसके बाद ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा और आप सभी इसके जो भी प्रश्न उत्तर अभी तक दिए गए हैं वो सब अपनी इतिहास की कॉपी में यानी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में नोट कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है और इससे लोगों को एक छवि गढ़ने में मदद मिलती है। अब उस समय क्या था 20वीं सदी में कि राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ भारत की पहचान भारत माता की छवि का रूप लेने लगी थी, मतलब भारतवर्ष को माता के रूप में देखा जाने लगा था। और यही छवि का निर्माण सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था और 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था और ये उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपन्यास आनंद मठ से। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ये भारत माता का पिक्चर दिया है। इस पेंटिंग में भारत को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है। वह शांत है, गंभीर है, देवी है, आध्यात्मिकता के गुणों से युक्त दिखाई दे रही हैं। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने में तस्वीर में उतारा जाने लगा तो कलाकार यह तस्वीर बनाने में लगे और साथ में ही भारत माता की छवि विविध रूप से ग्रहण करती गई। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माने जाने लगा। अब जब 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों या चारणों में गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं का दर्ज करना शुरू करा, मतलब लोक कथाओं के द्वारा वो गीतों के माध्यम से ये सारी बातें रखते थे। वे लोकगीतों और जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमते थे। उनका मानना था कि कहानी हमारी परंपरागत संस्कृति है और वही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अतीत्व के में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर हमें रखना जरूरी था। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा गीत, बाल गीत, मिथको आदि का उपयोग करते थे। साथ में ही इसको लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए वाले आंदोलन का नेतृत्व भी किया गया। मद्रास में नटेश्वर शास्त्री ने द फोर लॉर्ड्स ऑफ सर्दर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संचालन कराया, जिसके 4 खंड प्रकाशित भी हुए। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य में होती है और लोगों के असली विचारों विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति भी है। राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा। राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने में, उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने में, इस तरह चिन्हों और प्रतीकों के माध्यम से जागरूकता फैलाने में वो सफल भी रहे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा जिसका रंग था हरा पीला लाल तैयार किया गया। ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र भी दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था जिसका रंग था सफ़ेद, हरा और लाल, ये भी 3 रंग का था। गांधीवादी प्रतीक चरखे को इसमें जगह दी गई थी जो स्वावलंबन बनने का प्रतीक था। जुलूस में यह झंडा था में चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत भी था। फिर इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की नज़र भारतीय पिछड़े हुए आदिम लोग थे जो शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। इसके जवाब में भारत के कुल लोग अपने उपलब्धियों को खोज में अतीत में देखने लगे। इसमें कला, वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। महान युग के बाद पतन का समय आ गया था। भारत को गुलाम बना लिया गया था। राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता और उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति पाने का संघर्ष मार्ग सबसे अपनाने का आह्वान किया जाता था। लोगों को एकजुट करने की कोशिश वो सबसे बड़ी समस्या थी। जिस अतीत का गौरव किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था, इसलिए थोड़ी सी छवियों का सहारा लिया जा रहा था और वे हिंदू प्रतीक थे। यहाँ पर भारत माता का एक और सुंदर सा चित्र है जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया है। फिर आता है इससे क्या निष्कर्ष निकला अभी तक जो हमने पढ़ा।
कि भारत अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा, विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों का स्वतंत्रता के साझा संघर्ष की खींच रहा था, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों में असंतोष, परेशानियां और स्वतंत्रता से संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया जा रहा था। सबकी अलग अलग आकांक्षाएँ थी, अपेक्षाओं के साथ वो हिस्सा ले रहे थे। बहुत सारी उनकी शिकायत थी, शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा था और इन मतभेदों के अंतर में भी आंदोलन अपना विकराल रूप ले ही रहे थे। राष्ट्र की सरगर्मियां थी, कांग्रेस की सरगर्मियां थी। राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव के चरण आ रहे थे। इसी प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन यानी 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रख दिया और सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण और भारत छोड़ने की मांग की जाने लगी और इस संघर्ष का आह्वान शुरू हो गया। यहाँ पर गांधी जी का नारा था, करो या मरो। ये नारे के साथ जुलूस निकाले गए, अलग अलग आंदोलन हुए। इसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें छात्र, मजदूर, किसान, हजारों लोग ने हिस्सा लिया और नेताओं ने सहभागीदारी दिखाई। इसमें थे जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, बहुत सारी महिलाएं, बंगाल से मतांगिनी हाजरा, असम में कनकलता बारुआ और उड़ीसा में रमा देवी थी, जिन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में एक वर्ष का अधिक समय लग गया। तो यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है और समझना है।